Championship. ये सीधी तस्वीरें स्मृति वाटिका की आप देख रहे हैं, जहां पर करगिल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। स्मृति वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीधी तस्वीरें हैं करगिल शहीद स्मृति वाटिका की। सीएम योगी पहुंचे करगिल दिवस के मौके पर। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, कारगिल विजय दिवस, और ऐसे में अपनों को याद कर रहे हैं उनके परिजन, देश के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी, अपनी जाने गवाई, आज उनको याद करने का दिन। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। स्मृति वाटिका, सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। कारगिल दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि पूरा देश दे रहा है, पूरे देश की आंखें नम है, सभी याद कर रहे हैं शहीदों की शहादत को, उनको नमन कर रहे हैं। उनकी देशभक्ति, उनका जज्बा, उनके जज्बे को सभी याद कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। सीधी तस्वीरें हैं। तो आज का ये दिन है जब भारत ने करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी। भारत के सैकड़ों वीर जवानों की शहादत की याद करते हुए 26 जुलाई का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, और आज के दिन को करगिल विजय दिवस कहा जाता है। इस लड़ाई की शुरुआत 3 मई 1999 को हुई थी, जब पाकिस्तान ने ऊंची पहाड़ियों पर 5,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ घुसपैठ पर कब्जा कर लिया। जैसे ही भारतीय जवानों को इसकी भनक लगी, पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चला, और भारत ने अंततः पाकिस्तान को युद्ध में हराया और भारत की जीत का ऐलान हुआ। हालांकि उस वक्त हमारे बहुत सारे जाबाजों ने अपनी जान दे दी थी देश के लिए, ऐसे तमाम जाबाजों को हमारा सलाम है। सीधी तस्वीरें हैं स्मृति वाटिका की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, उनके साथ तमाम लोग सरकार के हैं। शहीदों के परिवारों से मुलाकात वो करेंगे, तमाम परिवार मौजूद हैं इस मौके पर, उनके परिजनों के सामने ही उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके परिवारों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें आपके सामने। इस लड़ाई की शुरुआत 3 मई 1999 को हुई, जब पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ घुसपैठ पर कब्जा जमा लिया था, घुसपैठ करके। जैसे ही भारतीय जवानों को इसकी भनक लगी, तो पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चला, जिसके बाद 26 जुलाई को भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया और भारत की जीत का ऐलान। कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त स्मृति वाटिका पहुंच चुके हैं, उनके साथ यूपी सरकार के और भी लोग मौजूद हैं, सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सभी याद कर रहे हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, कारगिल की विजय गाथा को जब जब याद किया जाता है तो देश के जाबाजों को याद किया जाता है, उनकी शहादत को याद किया जाता है, उनके पराक्रम को याद किया जाता है कि किस तरह से देश के जाबाजों ने दुश्मनों के हौसलों को बेदम कर दिया था, पस्त कर दिया था,
और आज के दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है। पूरा देश अपने जवानों को याद करता है, उनकी शहादत को याद करता है, उनके पराक्रम को याद करता है, इसीलिए इसे विजय दिवस भी देखिए कहा जाता है। स्मृति वाटिका की सीधी तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, शहीदों के परिजन भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, AK शर्मा, लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने याद किया स्मृति वाटिका में और अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए।